हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल रोज एंड राग हिंदी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हमारा एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है। हम एक माउंटेन टॉप पे आए हैं और यहाँ से हम आपको 360 डिग्रीज व्यू बताने वाले हैं। यहाँ पे यूजुअली लोग अपने ग्लाइडर्स के साथ या यू नो ड्रोन शॉट्स लेने के लिए या पतंग उड़ाने के लिए भी, हाँ यू हर्ड मी राइट, यहाँ पे भी लोग पतंग उड़ाते हैं, जैसे इंडिया में संक्रांति के लिए या मकर संक्रांति के लिए उड़ाते हैं ना, उसी तरह। बट इनका पतंग काफी अलग होता है, वो पकड़ने का एक होल्डर होता है, ये मांजा वांजा का पूरा अलग ही लोचा होता है ना राग। yes. तो यहाँ पे हम वो व्यूज सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्रीवियस व्लॉग में हमने डाउनहिल का व्यू आपको बताया था, जहाँ हमने डाउनहिल वॉक किया था छोटे से ट्रैक के एडवेंचर पे। वहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारा एक ब्यूटीफुल रिजर्वॉयर व्यू, रिवर व्यू, और उसी तरह काफ़ी ब्यूटीफुल वेव्स वगैरह थे, और छोटा सा जो हमने ट्रैक किया है वो भी आपके साथ कवर किया है। सो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, ज़रूर उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्पेशली हमारे नेचर लवर्स को। जैसे मैंने कहा, ये माउंटेन के ऊपर के व्यू के साइड से ब्यूटीफुल व्यू है, पूरा 360 डिग्री व्यू आप देख सकते हैं, अलग लेक्स एंड अलग अलग चीज़ें। तो स्टे ट्यून गाइज, और व्लॉग जरूर अंत तक देखिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो दोस्तों, ये कितना बढ़िया सा लोकेशन है यहाँ पे, जस्ट चलते हुए आई एम श्योर जब आप मेरे साथ इस व्लॉग में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा होगा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ये एक माउंटेन व्यू है। तो फिलहाल हम ये पार्किंग लॉट के इस तरफ चल के जा रहे हैं, और आगे क्या व्यू ये है। तो आप देख सकते हैं ये सुनहरा सा व्यू, आपको आसमान नजर आ रहा है, अमेजिंग क्लाउड्स का व्यू नजर आ रहा है, फिर यू नो ये जो एक अमेजिंग हिली साइड माउंटेन साइड व्यू है, क्योंकि जैसे हमने बोला हम पर्वत के एकदम ऊपर है, और जो 360 डिग्री व्यू है वो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ। एंड ओ माय गॉड, कितना मज़ा आया था उस दिन, क्योंकि पहला तो ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो पैंडमिक के सिचुएशन में वगैरह, हालांकि यहाँ पे लॉकडाउन है नहीं, फिर भी यू नो डर तो लगता ही है, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, जो एकदम बढ़िया सा एक माहौल था हमारे लिए। एंड आप देख सकते हैं कितना लाइक ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स वगैरह है माउंटेन के ऊपर, ये अलग अलग लोकेशंस के जो व्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल है। एंड वहाँ पे नीचे आपको एक लेक भी नज़र आ रहा है, और यहाँ का जो अभी मैं आपके साथ जो वीडियो देख रही हूँ, वेदर के वजह से आपको जो स्टीपनेस है माउंटेन का, आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन माउंटेन बहुत ही ज़्यादा स्टीप था, और क्योंकि हम माउंटेन के एकदम ऊपर की तरफ हम खड़े हुए थे, वहाँ से जब हम नीचे की तरफ व्यू देखे, एकदम डर लगता है फिलहाल तो, स्पेशली किसी को अगर हाइट्स का फियर है, मुझे थोड़ा बहुत है हाइट्स का फियर, उसी दिन मैंने रियलाइज़ किया। और बट व्यू एकदम मज़ेदार था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस माउंटेन का एंड साइड व्यू है, और यहाँ पे मैं कॉर्नर ऑफ द माउंटेन से मैं चल के यू नो एकदम डर डर के चल के जा रही हूँ, काफ़ी स्लो जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी डेंजरस भी है ये पाथ, फिर भी हमने सोचा यू नो इट्स समथिंग टू ट्राई आउट डेफिनेटली। सो क्या आपको ऐसे एडवेंचर्स पसंद है गाइस, स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स में क्या कई सारे डेयरडेविल्स है, और अगर आपने ऐसे कोई टास्क वगैरह किया है या कई एडवेंचर वाले लोकेशंस में गए हैं, ज़रूर अपना वीडियोज़ या फोटोज़ या यू नो आपके जो सजेशंस हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और आपका जो अनुभव था, आपका जो एक्सपीरियंस था, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर खड़े रहकर जस्ट उस वेदर को एंजॉय करना, यू नो जैस आप वो क्लाउड्स का आप लेवल भी देखें तो ऐसे लग रहा है कि क्लाउड्स लिटरली मेरे सर के ऊपर ही है, नो जस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम माई हेड, और इतना ब्यूटिफुल सा माहौल था, क्योंकि वो जैसे यू नो टॉप माउंटेन का व्यू है, और सारा बैलेंस सा व्यू भी है, एंड हवा इतना तेज चल रहा था उस दिन, वो भी एक सॉर्ट ऑफ डरावना एस्पेक्ट था, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं मैं उड़ ना जाऊँ हवे में, वो एक छोटा डर भी लग रहा था। यू नो जब आप यहाँ से देखे सारा व्यू, जैसे मैंने बोला वो लेक का व्यू, और वो जो माउंटेन हिल का व्यू है, और जो ग्रासलैंड्स वगैरह है, यहाँ से काफ़ी सिंपल व्यू लग रहा है, बट जब आप वहाँ खड़े होके उस हवे के जो पावरफुल हवा चल रहा है ना, उस हवे के बीच में आप खड़े होके ये सब व्यू आप देख रहे हैं, एकदम अमेजिंग सा एक पैराडाइज का व्यू लगता है, यू नो लिटरली फील्स लाइक यूर इन हेवन, और बहुत ही ब्यूटीफुल था विद दैट एडवेंचरस एस्पेक्ट इज वेल, क्योंकि माउंटेन काफ़ी स्टीप है, आप अगर आप देखें नीचे की तरफ काफ़ी हाइट में है हम लोग इस बार, एंड उसी की वजह से शायद हवा भी काफ़ी तेज़ है इस पर्टिकुलर हाइट से, एंड उस दिन काफ़ी विंडी सा माहौल भी था, जिसकी वजह से शायद काफ़ी लोग नहीं आए थे। यूजली यहाँ पे लोग ग्लाइडर्स वगैरह उड़ाने के लिए और
अलग अलग एडवेंचरस टास्क करने के लिए आते हैं, और हमारे यू नो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर हम उस पर्टिकुलर ग्लाइडर्स का व्यू वो सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में आई होप आपको ये देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, स्पेशली ब्यूटीफुल व्यूज़। तो हम वहाँ पे काफ़ी देर तक हम खड़े रहे हैं, यू नो वो परफेक्ट सा वेदर, वो एक्सपीरियंस, फीलिंग सो पीसफुल, बस लिविंग इन द मोमेंट जो बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा मज़ा भी किया, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पिया, एंड एकदम एक ब्यूटीफुल वे टू यू नो एंड द वीकेंड था हमारे लिए। तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपने आपकी वीकेंड पे क्या किया है, और आपने अगर ऐसा कोई एडवेंचरस टास्क किया है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वील सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। बाय।